नमस्ते बच्चों, आज हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आपने देखा होगा खास करके स्कूलिंग डे में, या फिर आप धूप में भी देख सकते हैं। धूप में जब आप किसी मिरर को रखते हैं इस तरह से, देखिएगा कि जो लाइट मिरर पे गिरता है वो लाइट फिर वापस किसी वॉल पे या किसी घर के अंदर भी हम लोग भेज देते हैं। एक्सपेरिमेंट जनरली आप कर सकते हैं, एक मिरर प्रिंट मिरर ले लीजिए और उसको सन के तरफ घुमा के कुछ एंगल पे इस तरह से रखिए कि जब सनलाइट उस पे आए वो वापस रिफ्लेक्ट होके वॉल पे या कहीं चला जाता है। आप देखिएगा एक धूप का लेयर वॉल पे बन जाता है। ये किस कारण से होता है? रिफ्लेक्शन के कारण से होता है। या कभी कभी शरारती बच्चे क्या करते हैं, जो घड़ी पहनते हैं वॉच को, वो इस तरह से सन के तरफ एडजस्ट करते हैं कि उससे पड़ने वाला, उसके ऊपर में पड़ने वाला रे किसी दूसरे बच्चे के आंख पे जाके गिरे। इस तरह के डिस्टरबेंस करते हैं। ये भी किस कारण से होता है? रिफ्लेक्शन के कारण से होता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या चीज होता है, तो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन में जो कोई रेज सोर्स से आती है और वापस उसी मीडियम में किसी सरफस के द्वारा भेज दिया जाता है। रिफ्लेक्शन में एक रे जो सोर्स से निकल के आती है उसको फिर से उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के द्वारा भेज दिया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस? इट इज अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। इट इज अ स्मूथ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस। एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट बाय दिस स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट कम्स। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ वी विल लर्न सम टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड regularly used in reflection. What are these terminology? First one is incident ray. What is incident ray? The ray which comes from source and falls on reflecting surface is known as incident ray. जो source से निकल के आता है और reflecting surface पे गिरता है उसको हम लोग incident ray कहते हैं। दूसरा term है reflected ray. The ray which is bounced back by the reflecting surface, a smooth or shiny surface, incident ray को जो bounce back वापस भेज देता है, this bounced back ray is known as reflected ray. So what is reflected ray? Bounced back ray by the reflecting surface is called reflected ray. Now next term is point of incidence. What is point of incidence? Point of incidence is the point on reflecting surface at which incident ray strikes the reflecting surface. What is point of incidence? Point of incidence is the point on reflecting surface at which incident ray falls. Now next term is angle of incidence. This angle, what is angle of incidence? Angle of incidence is angle between incident ray and normal drawn at point of incidence. What is angle of reflection? Next is angle of reflection. It is the angle between reflected ray and normal drawn at point of incidence. This angle is reflected angle and this angle is angle of incidence. Now next term is mirror. What is mirror? Obviously mirror is the very very ideal reflecting surface and it is defined as the smooth and polished surface whose one face is painted. This portion, this lining shows that lower face of the mirror is painted
एंड अपर पोर्शन ऑफ द मिरर इज स्मूथ सिल्वर्ड एंड वेल पॉलिश्ड. ओके सो व्हाट इज मिरर? मिरर इज द स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस हुज वन फेस इज पेंटेड एंड हैव अ एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट अ लाइट. क्लियर? सो इट इज अ मिरर. लेटर वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मिरर. Now we will discuss the laws of reflection. Means whenever reflections occurs by the reflecting surface, then these rays obey some laws, and that laws are known as laws of reflection. What are these laws? First law is angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the first law. And second law is incident ray, reflected ray and normal drawn at point of incidence all lies in same plane. ये तीनों एक ही plane में रहता है. कौन कौन सा? देख लीजिए, ये एक plane है, इसी में incident ray भी खींचा गया है, इसी plane में नॉर्मल भी खींचा गया है और इसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी खींचा गया है. ये तीनों एक ही प्लेन में है. ठीक है? सो सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रोन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन. नाउ सम स्पेशल केस इज हियर, दैट इज इफ दिस इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली, मीन्स ये इंसिडेंट रे इस तरह से शिफ्ट करता है, मानते अभी यहां से गिरता है तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यदि यहां से फॉल होता एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाता, यदि ये यहां से गिरता तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता. हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होता जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है. तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये इंसिडेंट रे नॉर्मली गिरेगा, नॉर्मल के ऊपर से ही गिरेगा, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाता है, जीरो डिग्री हो जाता है. मीन्स व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू जीरो डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट ऑल्सो बी जीरो डिग्री. सो टू ऑबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस केस इंसिडेंट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन. सो फाइनल नोट इज व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन. जिस रास्ते से ये आया था रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से चला जाता है, वो इसलिए क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में जीरो डिग्री हो जाता है, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इस केस में कितना होगा, जीरो डिग्री होगा. चलिए ये था रिफ्लेक्शन के बारे में. अब हम लोग ये जानेंगे कि जब कोई लाइट, जब दो या दो से ज्यादा इंसिडेंट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होता है. जैसे मिरर के सामने हम जाते हैं तो अपना ही जैसा एक प्रतिबिंब मिरर में हमको दिखाई देता है, उसको इमेज कहते हैं. वास्तव में इस इमेज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये इमेज कितने तरह के होते हैं? एक इमेज होता है कैमरा में जो आप फोटोग्राफी करके लाते हैं घर में, वो भी एक इमेज है. एक इमेज आपको मिरर में दिखाई देता है, जब तक आप खड़े रहते हैं मिरर के सामने में आपका इमेज मिरर में रहता है, और जैसे ही आप मिरर के सामने से हट जाते हैं इमेज भी डिसअपीयर हो जाता है. लेकिन एक इमेज कैमरा में बनता है जिसको आप कैद करके अपने घर पे लाते हैं और फ्रेम में सजा के रखते हैं. इस तरह से इमेज भी दो तरह का, हम उसके बारे में अब जानेंगे. चलिए आगे देखते हैं इमेज के बारे में. इमेज क्या है? इमेज इज द पॉइंट एट विच टू और मोर इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट्स और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, रिफ्लेक्शन क्या है एक अलग टॉपिक है उसके लिए, अभी हम रिफ्लेक्शन के केस में ही देखेंगे. चलिए देखते हैं इमेज को और बारीकी से क्या है.
प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर में ही इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं, और इस फॉर्मूले को फिर ये डिफिनेशन है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं ये एक प्लेन मिरर है जिसका एक पोर्शन पेंट किया हुआ है, हम ये एक पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, इससे किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस चलता है। हम कम से कम इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने रे कंसीडर करेंगे, दो रे। हमने ऑलरेडी मेंशन किया है डिफिनेशन में कि इट इज द पॉइंट एट विच टू और मोर इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे कम से कम कितने होने चाहिए, दो। हम दो कंसीडर करते हैं, एक नॉर्मली इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरा, एक इंसिडेंट रे नॉर्मली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरा और वो क्या हो जाएगा, वापस इसी रास्ते से रिट्रेस हो जाएगा। एक दूसरा रे कंसीडर करते हैं जो कुछ एंगल बना के इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरता है। मान लेते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ये इसी तरह से वापस क्या हो जाएगा, इसी एंगल से वापस चला जाएगा, जितना आई है उतना ही आर होगा। देखिए वास्तव में यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद ये रे, ये वाला इंसिडेंट रे इधर चला गया और ये वाला जो रे है वो इधर चला गया, कहीं मिलेगा इस तरफ, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आंख को ऐसा लगता है कि ये रे मिरर के पीछे में कहीं पे मिल रहा है, आंख को लगता है कि ये रे और ये रे दोनों किस पॉइंट से आ रहे हैं, इस पॉइंट से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रे रियली में मिलता नहीं है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, इमेज हुआ, किसका, इस ऑब्जेक्ट का। सो इट इज द पॉइंट एट विच टू और मोर इंसिडेंट रे अपीयर्स टू मीट, यहाँ पे मिलता हुआ अपीयर होता है। और एक कनकेव मिरर के केस में एक एग्जांपल देखते हैं, रियल इमेज, इस तरह की इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। कैसा इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज। और एक रियल इमेज देखिए क्या होता है, एक कनकेव मिरर है, ये एक रे चला यहां से रिफ्लेक्शन पर फोकस से होकर चला गया, दूसरा रे यहां से चला गया, ये रिट्रेस कर जाता है अपने पास। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल से, इसके भी नियम है, इसलिए ऐसे ही क्यों गया, इसके लिए कुछ लॉज हैं, उसके बारे में हम फिर डिटेल से देखेंगे। हम देखते हैं कि दोनों रे, एक रे रिफ्लेक्शन के बाद इधर से पास किया और एक रे रिफ्लेक्शन के बाद सीधे चला गया, दोनों रे रियली में कहां पे मिला, यहां पर। इमेज कहां बना, यहां पे बना, यहां पे रियल इंटरसेक्शन हुआ। और यहां पे इंटरसेक्शन रियल नहीं है, वर्चुअल इंटरसेक्शन है, ठीक है। लेकिन दोनों में, दोनों ही केस में रे यहाँ पे मिलता हुआ अपीयर होता है और यहाँ पे रियली में मिलता है। इसलिए जहाँ, जिस, जहाँ पर दो या दो से ज्यादा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद रियली में मिलता है, वहां पर रियल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। और जहां पे मिलता हुआ अपीयर होता है वहां पे कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज बनता है। इस तरह से इमेज कितने तरह के हो गए, दो तरह के हो गए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज दो तरह के होते हैं, एक रियल होते हैं और एक वर्चुअल इमेज होते हैं। दो तरह की इमेज, रियल इमेज क्या होता है, इट इज द पॉइंट एट विच टू और मोर इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट, एक्चुअली मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एंड वर्चुअल इमेज इज द पॉइंट एट विच टू और मोर इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दोनों ही इमेज के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले रियल इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या है। इट कैन बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, इट कैन बी ऑब्टेंड ऑन
इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. अगला है इट इज परमानेंट इमेज. इट इज परमानेंट इमेज. और तीसरा है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑलवेज इन्वर्ट. उल्टा होता है यदि ऑब्जेक्ट सीधा है उसका इमेज ठीक उल्टा होगा. जैसे यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है इमेज नीचे की तरफ है. ये हमेशा इन्वर्टेड. वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि इस इमेज को इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है ये वर्चुअल इमेज बनता है. इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. जैसे आप हटिएगा मिरर के सामने से वो इमेज भी डिसअपीयर हो जाता है. सिनेमा हॉल में जो दिखाई देता है फिल्म वो रियल इमेज होता है. रियल इमेज टेम्पररी होता है लेकिन वर्चुअल इमेज टेम्पररी सॉरी रियल इमेज परमानेंट होता है लेकिन वर्चुअल इमेज टेम्पररी होता है. थोड़ा देर के लिए बनता है. इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बट वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा सीधा होता है. यदि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो वर्चुअल इमेज भी ऊपर की तरफ ही होगा. ये वर्चुअल इमेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में इस इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिख के आपको भेज दिया. आप उसमें इसको देख सकते हैं. चलिए अगला टॉपिक हम लोग सीख पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है और प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज बनता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है. सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से इमेज के डिस्टेंस के इक्वल होता है. सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है. आप मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स हैं. कॉन्ग्रुएंसी से आप दिखा सकते हैं कि ये साइड इस साइड के बराबर. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के इक्वल होता. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कि इमेज वर्चुअल होता. प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है वर्चुअल इमेज बनता. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर. इमेज मिरर के पीछे बनता है. अगला करेक्टरिस्टिक है इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड. इट मीन्स लिटरली इन्वर्टेड मीन्स राइट हैंड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स लेफ्ट हैंड इन इमेज एंड लेफ्ट हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट हैंड इन इमेज. जैसे आप मिरर के सामने में खड़े होके अपना दाहिना हाथ उठाइएगा देखिएगा कि इमेज में आपका बामा बाया हाथ उठता है लेफ्ट हैंड उठेगा. ये जो करेक्टरिस्टिक्स है लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करने का मिरर का जो करेक्टरिस्टिक्स है इसको लिटरल इन्वर्सन कहते हैं. क्या कहते हैं लिटरल इन्वर्सन. पूछता है व्हाट इज पूछेगा लिटरल इन्वर्सन क्या है. लिखिएगा लिटरल इन्वर्सन इज द फेनोमेनन इन विच मिरर कन्वर्ट्स राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इन इमेज एंड लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इन इमेज. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर. ओके नाउ वी विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ मिरर दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर क्या है.
स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। सी हियर, सपोज दिस इज अ होलो स्फीयर, एंड दिस पार्ट, दिस पोर्शन ऑफ दिस होलो स्फीयर इज पेंटेड, this is a part of this portion, this is a reflecting surface, and this reflecting surface is a part of this hollow sphere, so this is called a spherical mirror. Or suppose this is also a hollow sphere and this portion of this hollow sphere is painted, so it is also a spherical mirror. So what is a spherical mirror? A spherical mirror is a reflecting surface which is a part of hollow sphere. Now see here, when reflecting surface is curved inward, when reflecting surface is curved in part, then this mirror is called concave mirror. And when reflecting surface is bulges outward, then this is known as convex mirror. Then this is called convex mirror. So there are two types of spherical mirror: concave mirror and convex mirror. In concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, and convex mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is bulges outward. Now in the next video we will study about the terminologies of this spherical mirror and some rules followed by ray during image formation in a spherical mirror. Oh, thank you.